प्रभु येसु के पवित्र जीवन कुछ ही मिनटों में मनन चिंतन करने या दूसरों को शिक्षा देने का सबसे उत्तम तरीका हम पवित्र रोजरी बिंदी में देख सकते हैं। इसलिए पवित्र रोजरी को अनपढ़ों का पवित्र बाइबल कहा जाता है, जहां हम मां मरियम की कक्षा में मां मरियम के साथ मिलकर प्रभु येसु के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर मनन करते हैं। अक्टूबर महीना पवित्र रोजरी महीना कहा जाता है। ये क्यों ऐसे मनाया जाता है और इस महीने में क्यों रोजरी बिंदी इतना महत्व रखता है और इसके द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड प्लेटफॉर्म यूट्यूब में हो या पॉडकास्ट में हो या फेसबुक पेज में हो, हम इस महीने में क्या करने वाले हैं, कैसे हम रोजरी बिंदी एक साथ करने वाले हैं, इन सभी के बारे में हम आज मनन करेंगे। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, पूर्ण रूप से समझिए और इस रोजरी महीने को फलदायी बनाने में हम सब मिलकर कैसे एक साथ कार्य कर सकते हैं, इस पर मनन करेंगे। क्रिस्तीय प्रार्थनाओं में सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस प्रार्थना यदि हम कहें तो वो पवित्र रोजरी बिंदी। पवित्र रोजरी बिंदी में, जैसे मैंने कहा, इसमें प्रभु येसु के संपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर मां मरियम के साथ मिलकर हम मनन करते हैं, उसमें हम सहभागी होते हैं। ये रोजरी बिंदी कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में हम इसके पहले दो वीडियोस बनाए हैं, सुंदर वीडियोस हैं, उसमें बहुत सारे व्यूज भी हैं, बहुत सारे आप लोग देखे भी होंगे, उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप यदि उनको नहीं देखे आप जरूर उनको देखिएगा। पवित्र रोजरी बिंदी क्यों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा क्रिस्तीय जीवन अकेले जीने वाला एक जीवन नहीं, ये मेरा ईश्वर के बीच में वाला एक जीवन भी नहीं, एक सामाजिक जीवन है, एक पारिवारिक जीवन है, और इस परिवार में मां मरियम हमारी मां है, और मां मरियम हमारे लिए केवल मध्यस्थ नहीं करती, हमारे लिए प्रार्थना केवल नहीं करती, वो हमारे साथ रहकर हमें येसु के बारे में हमें शिक्षा देती। येसु कैसे थे, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, और उन घटनाओं का आज मेरे लिए, हमारे लिए आज की परिस्थिति में क्या महत्व है, इनको समझने में मां मरियम हमारी मदद करती है। इसलिए पवित्र रोजरी बिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लेकिन अक्टूबर महीना क्यों रोजरी महीना कहा जाता है, इसका इतिहास जाता है 16वीं सदी में। यदि हम देखें तो कलीसिया बहुत ही एक खतरनाक स्थिति में थी, कलीसिया के अंदर भी बहुत सारे उतल पुतल हो रहे थे और कलीसिया के बाहर भी कलीसिया के विरोधी लोग बढ़ते जा रहे थे, और जगह जगह पर कलीसिया के जगहों को इस्लामी टेररिस्ट, यदि उस समय हम कहे जाए, तो उन लोग इसको नष्ट कर रहे। इतिहास के पीछे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, ये किसी का विरोध करने का या बुरी बातों को बताने का नहीं, बल्कि उस समय जो घटनाएं हुई 16वीं सदी में, यानी 1570 के आसपास में, कलीसिया यानी क्रिस्तीय कुछ देश थे उस समय, बहुत सारे देश, वेस्ट के बहुत सारे देश थे, और कुछ देशों को इस्लामिक जो राजा लोग थे उन लोग आक्रमण करके अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं, जैसे भारत में भी उन लोग आए, उसी प्रकार ये दुनिया भर चल रहा था, हर देश में उन लोग जाकर अटैक करके, आक्रमण करके अपने कब्जे में देशों को ला रहे थे। वैसे ही रोम और उसके आगे के फ्रांस और भी बहुत सारे देश हैं जो कैथोलिक देश माने जाते थे या क्रिस्तीय देश माने जाते थे, उनको अपने कब्जे में करने के लिए इन लोग बहुत कोशिश कर रहे थे। उस समय संत पिता संत पीयूस 5वें थे, वे इस भयानक स्थिति से बहुत चिंतित रहे, क्योंकि एक प्रकार से कलीसिया की अस्तित्व खतरे में था, क्योंकि उस समय ऐसा था कि राजा जो देश को अपने कब्जे में लेके आया उस राजा के धर्म को अपनाना, ये उस समय की एक अनलिखित एक नियम था। इसलिए संत पिता पीयूस 5वें जब देखे कि जो युद्ध छिड़ रहा था ये जमीन पर नहीं, अभी युद्ध चलने वाला था समुद्र के अंदर,
अभी समुद्र के अंदर जो युद्ध होना था उसमें मैं उसका ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, इसको कभी हम और मनन करेंगे, इस पर इतिहास के पीछे जाएंगे। लेकिन उस युद्ध में कलिसिया के पास या क्रिस्तीय देशों के पास जो जहाज थे उनकी गिनती अन्य उनके विरोधियों के पास जितने जहाज थे उससे आधा था, और यहाँ के जो सिपाही लोग थे उनकी भी गिनती कम थी। एक प्रकार से हम देखें, उनका मूल्यांकन करके देखें, तो हमें पता चलेगा कि वो युद्ध कलिसिया के विरोधी या क्रिस्तीय जो देश थे उनके विरोधी जो थे उन्हीं लोग जीतने वाले थे, वो एकदम स्पष्ट था। लेकिन संत पिता पीयूस पांचवें ने सभी क्रिस्तीय लोगों को एक पत्र लिखे, सभी रोजरी बिंदी करें, उसके पहले ही 13वीं सदी में ही रोजरी बिंदी प्रसिद्ध हो गया था, फेमस हो गया था। लेकिन ये सभी लोगों को प्रेरित किए और एक प्रकार से आदेश दिए, आग्रह किए कि सभी रोजरी बिंदी करें, और हम विश्वास नहीं करेंगे जो लेपांडो युद्ध कहा जाता है उसमें क्रिस्तीय जो देश थे वो जीत गए। कैसे हुआ? वहां समुद्र के अंदर जो हवा क्रिस्तीय देशों के विरुद्ध चल रहा था वो 7 अक्टूबर 1571 को उल्टा दिशा में बहने लगी, और उन लोग अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाए उस हवा में, और यहां क्रिस्तीय जो देश थे ये जाकर उनको हराए। ये उसी दिन है, और हम जानते हैं उसी दिन को कलिसिया धन्य कुमारी मरियम पवित्र रोसरी की मां का पर्व मनाती, आवर लेडी ऑफ रोसरी, और इस महीने को पूर्ण रूप से पवित्र रोसरी के लिए अर्पित, क्योंकि उस जीत के कारण और उसके बाद में भी कलिसिया में या देशों के बीच में या देशों में जब भी उतल पुतल की स्थिति आई कलिसिया हमेशा मां मरियम का संरक्षण खोजती रही है। और इस अक्टूबर महीने को पूर्ण रूप से रोजरी महीने के रूप में घोषणा किया गया था, ये 19 सदी के आखिरी आखिरी में संत पिता लियो 13वें ने पवित्र रोजरी बिंदी के जो महत्व है उसको ज्यादा और भी प्रचलन में लाने और लोगों के बीच में जागरूकता लाने के लिए इस महीने को रोजरी महीने के रूप में घोषित किए। और इनके समय में वे 11 पत्र लिखे थे, एनसाइक्लिकल्स लिखे थे पवित्र रोजरी पर। अन्य कोई भी संत पिता इतने सारे एनसाइक्लिकल्स पवित्र रोजरी के बारे में नहीं लिखे। तो उस समय से अक्टूबर महीने को रोजरी महीने के रूप में मनाते आ रहे हैं। लेकिन इसका इतिहास हम इधर नहीं देखेंगे, जैसे मैंने कहा इसके पहले भी 2 वीडियोस बनाए जा चुके हैं, उनको आप देखिएगा। लेकिन ये जो चित्र आप जैसे यहां देख रहे हैं, जो पवित्र रोजरी की मां अवर लेडी ऑफ रोजरी का जो चित्र यहां आप देख रहे हैं, मां मरियम के हाथ में बाया हाथ में लेफ्ट हैंड में बालक येसु है, और दाएं हाथ में मां मरियम अपने हाथ में रोजरी पकड़ी है। उस पवित्र रोजरी को संत डोमिनिक को वो दे रही है। संत डोमिनिक 12वीं सदी में जिया हुआ एक बहुत ही महान संत है। उनका जन्म 1170 में हुआ और उनकी मृत्यु 1221 में हुई। इस बीच में उनको जो गलत सिद्धांत फैल रही थी कि हम सभी आत्माएं हैं और हमारा शरीर आत्मा को अपने कब्जे में रखकर इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, इस प्रकार के एक गलत सिद्धांत फैल रहा था, उस सिद्धांत के विरुद्ध शिक्षा देने के लिए संत पिता संत डोमिनिक को भेजे थे फ्रांस के जो दक्षिण भाग है वहां पर, वहां के उस गलत सिद्धांत को नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए ये अपने जो भी जानकारी जो ज्ञान वे प्राप्त किए थे उसके द्वारा उनकी शिक्षा द्वारा लोगों को कलिसिया में वापस लाने और उस गलत सिद्धांत को नष्ट करने की कोशिश किए। लेकिन वहां हुआ ये कि वे हार का सामना किए, उनसे कुछ नहीं हो पाया, तो इसलिए वे अकेले एक प्रकार से वे दुखी होकर एकांत में एक पहाड़ में जाके गुफा में जाके रहने लगे। और कहा जाता है वहीं पर जब वे प्रार्थना में लीन रहे कुछ दिनों में उपवास विनती करते रहे, मां मरियम जिस प्रकार यहां चित्र में हम देख रहे हैं, जरूर ऐसे ही पूर्ण रूप से नहीं, इस प्रकार मां मरियम संत डोमिनिक को दर्शन देकर उन्हें रोजरी विनती करने के लिए आग्रह की और उन्हें रोजरी माला। और उनके बाद में
डोमिनिकन समाज के सदस्य लोग, जिस धर्म समाज की स्थापना संत डोमिनिक स्वयं किए हैं, वे उसको आगे बढ़ाते गए। तो इस रोजरी बिंदी की शक्ति सबको ही जानते हैं, यदि आप नहीं जानते हैं आप करके देखिए तब आपको पता चलेगा। तो हम इस वर्ष अक्टूबर महीने के हर दिन एक साथ रोजरी बिंदी करेंगे। ये समय रहेगा हर दिन शाम 7 बजे। उसमें शुरुआत में एक छोटा सा मनन चिंतन मेरे द्वारा रहेगा, उसके बाद उस दिन का पवित्र रोजरी बिंदी और अंत में मां मरियम के एक गीत। तो मैं आशा करूंगा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग इसमें जुड़ें और एक साथ रोजरी बिंदी करें और मां मरियम की कक्षा में रहकर हम इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जैसे मैं बार बार कहते आ रहा हूं, पवित्र रोजरी बिंदी कैसे करनी चाहिए इसके बारे में हम इसके पहले 2 वीडियोस बनाए हैं, आप जरूर उनको देखिएगा। कैसे हमें एक एक भेद के बाद में रुक कर मनन चिंतन करना चाहिए, इन सबको हमें सीखने की जरूरत है। तो अक्टूबर महीने 1 तारीख से पूरे महीने शाम 7 बजे हम एक साथ पवित्र रोजरी बिंदी करेंगे। आप इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इस मिशन को और भी सफल बनाने में आप भी हमारा साथ दीजिए। साथ ही हमारे इस ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में भी और पॉडकास्ट में भी हम हर दिन सुबह 5 बजे हर दिन एक अध्याय मिशन चला रहे हैं। यदि आप उसमें अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, आप शामिल होइए और उसका भी फायदा उठाइए। हम सभी ईश्वरीय प्रेम में, क्रिस्तीय विश्वास में, क्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़ते जाएं। मां मरियम के द्वारा ईश्वर यही अनुग्रह और आशीष हम सबों को प्रदान करें।